गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे विल टॉक अबाउट अ न्यू चैप्टर नेम्ड एज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। आज जो है अपन एक नए चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी गोना टॉक अबाउट व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है होता क्या है। ऐसा सिस्टम जिसके अंदर कोई भी फ्लूइड जो है फ्लो हो रहा है। द सिस्टम इन विच एनी काइंड ऑफ फ्लूइड इज फ्लोइंग द सिस्टम इज नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसके अंदर कोई भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है दैट सिस्टम इज नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसको भी फर्दर दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रखा है। एक तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जिसके अंदर क्या फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, और एक जो है लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। सेकेंड कौन सा है, लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसके अंदर क्या फ्लो हो रहा है, लिम्फ फ्लो हो रहा है, उसको बोलते हैं लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, जिसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके अंदर लिम्फ फ्लो हो रहा है, लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। सो इस चैप्टर के अंदर वी विल टॉक अबाउट ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके अंदर जो है अपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करने वाले हैं कि इन एक्चुअल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट ब्लड सबसे पहले अपन ब्लड की बात करते हैं कि ब्लड होता क्या है। ब्लड जो है अपनी बॉडी के अंदर पाया जाने वाला एक विस्कस सब्सटेंस है। ओके, थोड़ा हाईली कंसेंट्रेट होता है और दिस इज विस्कस। ओके, इसके अलावा इसका जो है पीएच होता है लगभग 7.4, स्लाइटली अल्कलाइन वी कैन से, थोड़ा सा क्षारीय होता है, बेसिक होता है नेचर के अंदर। इसके अलावा ये जो है बेसिकली रेड होता है कलर के अंदर कैसा होता है, रेड होता है बिकॉज इट कंटेन्स अ स्पेशल पिगमेंट दैट इज नोन एज हीमोग्लोबिन। ओके, जो इसकी प्रोडक्शन को बोलते हैं हीमोपोएसिस। द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड इज नोन एज हीमोपोएसिस। इसकी जो स्टडी होती है स्टडी को बोलते हैं हीमेटोलॉजी। इट्स स्टडी इज नोन एज हीमेटोलॉजी। द ब्रांच ऑफ साइंस विच इज डीलिंग विद द स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हीमेटोलॉजी। साइंस की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर जो है अपन ब्लड के बारे में पढ़ रहे हैं दैट इज नोन एज हीमेटोलॉजी। जिस प्रोसेस के थ्रू जो है ये फॉर्म होता है, प्रोड्यूस होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज हीमोपोएसिस। कलर के अंदर ये रेड होता है, रेड क्यों होता है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ अ पिगमेंट दैट इज हीमोग्लोबिन। दैट इज हीमोग्लोबिन, स्लाइटली अल्कलाइन होता है। ओके, विस्कस होता है, इसके अलावा ऑपक होता है। ओके, ये सारे कुछ जो है प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं किसके अंदर, ब्लड के अंदर पाई जाती है। बेसिकली प्रोड्यूस कहाँ पे होता है, ये जो फीटल स्टेज के अंदर, तो दिस इज प्रोड्यूस्ड इन लीवर और स्प्लीन, और मैच्योर के अंदर दिस इज प्रोड्यूस्ड, और अपन बोल सकते हैं कि फीटल स्टेज के अंदर तो जो है ब्लड कहाँ प्रोड्यूस होता है, लीवर के और स्प्लीन के अंदर। इसके अलावा जो है बच्चे या फिर मैच्योर के अंदर कहाँ प्रोड्यूस होता है, इन द बोन मैरो। This is produced in bone marrow. So ये जो है sites हैं जहाँ पे blood जो है in actually produce होता है। Fetal stage के अंदर कहाँ produce होता है, liver और spleen के अंदर। और जो है वैसे after birth blood कहाँ produce होता है, bone marrow के अंदर। Okay? ये जो spleen है इसके अंदर RBCs store होती हैं। It is also known as blood bank. ओके, हर एक सेल का पर्टिकुलरली एक लाइफ स्पान होता है, लाइफ स्पान के बाद में जो है उनकी डेथ हो जाती है। बेसिकली जो है आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन भी कहाँ पे होता है, स्प्लीन के अंदर। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज ग्रेवियार्ड। आरबीसी जो है स्प्लीन के अंदर जाकर डिस्ट्रॉय होती है, दैट्स व्हाई स्प्लीन इज आल्सो नोन एज ग्रेवियार्ड। सो इसी को स्प्लीन को जो है ब्लड बैंक भी बोलते हैं। व्हाई, बिकॉज दीज आर प्रोड्यूसिंग आरबीसीज। आगे चलकर बात करने वाले हैं आरबीसीज होती क्या है, कौन सी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। तो अपन कह सकते हैं कि जो है स्प्लीन के अंदर ब्लड प्रोड्यूस भी हो रहा है और ब्लड सेल्स जो है डिस्ट्रॉय भी हो रही हैं। तो स्प्लीन को जो है ग्रेवियार्ड भी बोला गया है, इसके अलावा ब्लड बैंक भी बोला गया है। ओके, सो ये कुछ जो है प्रॉपर्टीज हैं जो पाई जाती हैं, ये कुछ जो है टर्म्स हैं जिनको अपन बेसिकली जो है किसके अंदर यूज में लेते हैं,
ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर यूज में लेते हैं. द स्टडी इज हीमेटोलॉजी एंड द प्रेडिक्शन इज ह्यूमोकोसिस. दीज आर प्रोड्यूस्ड इन द साइट्स आर लिवर एंड स्प्लीन. एंड इसके अलावा बच्चों ये तो फीटल स्टेज के अंदर तो लीवर एंड स्पीन और अडल्ट स्टेज के अंदर बोन मैरो. ओके, कलर के अंदर रेड होता है ये और जो है पीएच इसका होता है 7.4 और नेचर के अंदर ये विस्कस और ऑब्क्यू होता है. और इनका ब्लड का जो है परसेंटेज बॉडी के अंदर पाया जाता है बॉडी मास का 7-8%. ह्यूमन बॉडी का 7-8% पार्ट क्या बनाता है, ब्लड बनाता है, या 7-8% पार्ट किसका होता है, ब्लड का होता है. इसके अलावा वी कैन से बॉडी के अंदर 4-5 लीटर जो है ब्लड पाया जाता है, दैट इज इन फीमेल. और मेल के अंदर पाया जाता है लगभग 5-6 लीटर, दैट इज फाउंड इन मेल. सो वी कैन से मेल और फीमेल के अंदर जो है ब्लड की क्वांटिटी डिफर होती है. मेल के अंदर जो है ब्लड हमेशा ज्यादा पाया जाता है, फीमेल के अंदर जो है ब्लड हमेशा कम पाया जाता है. इसके भी रीजन अपन आगे चलकर जानने वाले हैं कि फीमेल के अंदर जो है कम क्यों होता है, मेल के अंदर जो है ज्यादा क्यों होता है. इसके बाद में हम बात करते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की, जिसके अंदर जो है अपन सर्कुलेशन के बारे में बात करने वाले हैं. कुछ बेसिक चीजें थी ब्लड के बारे में जो अपन ने जान ली है. वैसे तो जो है ब्लड इज वेरी इंपॉर्टेंट, वाई, बिकॉज बॉडी के अंदर जितनी भी फंक्शनिंग्स हो रही है सारी की सारी फंक्शनिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ब्लड रिस्पॉन्सिबल है. इट इज कैरिंग हार्मोन, इट इज कैरिंग वाटर, इट इज कैरिंग फूड, इट इज कैरिंग एक्सक्रीटरी सिस्टम. इसके अलावा इट इज मेंटेनिंग द टेम्परेचर एंड सो ऑन. ये जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो है बॉडी के अंदर परफॉर्म कर रहा है जो अपन आगे चलकर पढ़ने वाले हैं. सो ब्लड जो है अपनी बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. वी कैन से इट इज एन इंपॉर्टेंट ऑर्गन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है ये. बेसिकली ये मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है. दिस इज ओरिजिनेट फ्रॉम मेसोडर्म. किससे ओरिजिन होता है इसका, मेसोडर्म से ओरिजिन होता है. और ये लिक्विड होता है, ये एक ऐसा लिक्विड होता है, ऐसा कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसके अंदर किसी भी प्रकार के जो है फाइबर्स नहीं पाए जाते हैं. वैसे हर टाइप के जो है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर फाइबर पाए जाते हैं एक्सेप्ट दिस, एक्सेप्ट ब्लड. ब्लड के अंदर किसी भी प्रकार के जो है कनेक्टिव टिश्यू, सॉरी, ब्लड के अंदर किसी भी प्रकार के फाइबर्स पाए नहीं जाते हैं. इफ यू टॉक अबाउट फाइबर्स लाइक कोलेजन एंड इलास्टिन, तो ब्लड के अंदर जो है कोलेजन और इलास्टिन नहीं पाए जाते हैं. बाकी सारे टाइप के कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या पाए जाते हैं, फाइबर्स पाए जाते हैं. सो दिस इज अ काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच इज कनेक्टिंग आर होल बॉडी, जो कि अपनी पूरी बॉडी को कनेक्ट करने का काम कर रहा है. ओके, तो ये कुछ जो है बेसिक टर्म्स थे दो वी आर यूजिंग इन द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. इसके बाद में हम बात करते हैं types of circulatory system like open circulatory system and closed circulatory system. ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को जो है फर्दर दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रखा है. सर्कुलेटरी सिस्टम को जो है आगे चलकर दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रखा है. नंबर वन इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड नंबर सेकेंड इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. Close circulatory system. Okay. ऐसा circulatory system जिसके अंदर जो है blood जो है blood vessels से बाहर निकल रहा है और organs जो है blood के अंदर dipped होते हैं. The circulatory system in which blood is coming out from blood vessels or tubes. The circulatory system in which blood is coming out from blood vessels or tubes and organs and tissues are dipped in blood. Organs or tissue जो है blood के अंदर dipped होते हैं, that type of circulatory system is known as open circulatory system. और ऐसा circulatory system जिसके अंदर जो है blood जो है किसके अंदर flow होता है, blood vessels के अंदर. Blood जो है blood vessels के अंदर flow होता है. और इसके अलावा ब्लड जो है वेसल से बाहर नहीं आता है. वी कैन सी डायरेक्टली जो है ऑर्गन्स और टिश्यू का ब्लड से कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता है. दैट टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज नोन एज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. मेनली जो है जितने भी डेवलप्ड एनिमल्स होते हैं या एडवांस टाइप के एनिमल्स होते हैं उनके अंदर कौन सा सर्कुलेशन पाया जाता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. एंड वी आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. बट जितने भी
प्रिमिटिव टाइप के जो एनिमल्स हैं, लेस डेवलप्ड जो एनिमल्स हैं, जिनकी जो है बॉडी की स्ट्रक्चर्स बहुत ही लेस डेवलप्ड है, उनके अंदर कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. ओके, सो वी कैन से कि जितने भी लेस डेवलप्ड एनिमल्स हैं उनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है. एंड वी कैन से कि इन ऑर्गेनिज्म के अंदर जो इनके ऑर्गन्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, वो ब्लड के अंदर डिप्ड होते हैं. ब्लड जो है ब्लड वेसल्स से बाहर फ्लो होता रहता है, जबकि क्लोज्ड के अंदर ब्लड जो है किसी भी प्रकार से ब्लड वेसल्स से बाहर नहीं निकलता है, और ऑर्गन्स का डायरेक्टली जो है किसी भी प्रकार से कॉन्टेक्ट नहीं होता है किसके साथ में? ब्लड के साथ में. ऑलराइट, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन एंड क्लोज. वी हैव क्लोज एंड प्रिमिटिव एनिमल्स हैव ओपन. ओके, जितने भी एडवांस होते हैं सारे क्लोज के एग्जांपल है. लाइक अपन बात करें ऑर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, इनके अलावा इनके अंदर कौन सा पाया जाता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है. इसके बाद में अपन बात करने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड, कि ब्लड किस किस से मिलकर बना होता है. ऑलराइट, फर्दर वी गोना टॉक अबाउट कंपोजिशन ऑफ ब्लड. कंपोजिशन इन द सेंस कौन कौन सी चीजें जो है ब्लड के अंदर पाई जाती है. कंपोजिशन, कंपोजिशन के अंदर अपन बात करें तो ब्लड इज कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स. ब्लड जो है दो चीजों से मिलकर बना होता है, या फिर दो पार्ट से मिलकर बना होता है, जिसके अंदर एक का नाम तो है प्लाज्मा एंड सेकेंड का नेम है दैट इज ब्लड कॉर्पसल्स. सेकेंड का नाम है ब्लड कॉर्पसल्स. ओके, प्लाज्मा क्या होता है? दिस इज अ वॉटरी सब्सटेंस. ये जो है एक वॉटरी सब्सटेंस होता है जो कि जो है ब्लड का लगभग 55% पोर्शन बनाता है. ओके, रिमेनिंग पोर्शन कौन बनाता है? ब्लड कॉर्पसल्स, ऑलमोस्ट 45%. ओके, ये जो प्लाज्मा है ये वॉटरी सब्सटेंस होता है, मेनली सदरी पाया जाता है वॉटर, और वॉटर में कितना पाया जाता है? लगभग 90%. लगभग कितना पाया जाता है? 90% वॉटर पाया जाता है. सो वी कैन से अगर अपनी बॉडी के अंदर 4 से 5 लीटर ब्लड पाया जा रहा है, तो उसके अंदर आधा पार्ट तो कौन कंसिस्ट कर रहा है? प्लाज्मा. आधा पार्ट के अंदर तो प्लाज्मा पाया जा रहा है, और उस प्लाज्मा के अंदर भी मोस्ट ऑफली क्या पाया जा रहा है? वॉटर पाया जा रहा है. जो रिमेनिंग जो है सब्सटेंस उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, एक तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड सेकेंड इज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन द सेंस most of the proteins are counted in organic substances. Plasma के अंदर बहुत सारी proteins पाई जाती हैं. If we talk about like heparin के अलावा जो है prothrombin है, और ये सारी proteins जो हैं organic part बनाती हैं, और लगभग 9% जो है part organic substances से filled होता है, and remaining जो है 1% part inorganic substances. Inorganic substances के अंदर जो है mainly ions आते हैं. Okay, या फिर भी कहते हैं मेनली इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं. ऑर्गेनिक के अंदर डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स आती हैं, दो आर रिक्वायर्ड, जो कि अलग अलग जो है काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं. लाइक ब्लड को क्लोट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. इसके अलावा वी कैन से कि जो है ब्लड को अंदर जो है ब्लड कंटिन्यूसली ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो हो रहा है, वो वहाँ पे जो है क्लोट नहीं हो, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं. सो डिफरेंट टाइप की जो है क्या पाई जाती है? प्रोटीन्स पाई जाती हैं किसके अंदर? प्लाज्मा के अंदर. और ये लगभग जो है 9% पोर्शन बनाती है प्लाज्मा का, और 1% पोर्शन क्या बनाते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. और लगभग 90% सब्सटेंस क्या पाया जाता है? वॉटर पाया जाता है. और अब बात करते हैं अपन ब्लड कॉर्पसल्स की. ब्लड कॉर्पसल्स के अंदर जो है मेनली तीन टाइप की होती है, एक तो आरबीसी, सेकेंड इज डब्ल्यूबीसी एंड थर्ड इज प्लेटलेट्स. ओके, इन तीनों के बारे में वी विल टॉक इन द नेक्स्ट लेक्चर. अगले लेक्चर के अंदर बात करेंगे कि आरबीसी होती क्या है, कहाँ प्रोड्यूस होती है, कौन सी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, इनका कलर कैसा होता है, इनका लाइफ स्पान क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं. सेम थिंग वी गोना टॉक अबाउट डब्ल्यूबीसी. डब्ल्यूबीसी के बारे में बात करने वाले हैं. डब्ल्यूबीसी होती क्या है, कौन से कलर की होती हैं, लाइफ स्पान जो है इनका कितना होता है, कहाँ प्रोड्यूस होती है, फंक्शंस जो है क्या होते हैं, कितने टाइप की होती हैं. सेम थिंग वी गोना रिपीट अबाउट प्लेटलेट्स.
अपन प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो टुडे वी हैव टॉक अबाउट ब्लड, ब्लड होता क्या है, थोड़ा बहुत ब्लड की कंपोजिशन के बारे में बात कर लिए, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लिए। इसके अलावा अपन ने जो है लिम्फ देखा है कि जो है सर्कुलेटरी सिस्टम को दो टाइप के अंदर डिवाइड कर रखा है, तो लिम्फ सर्कुलेटरी एंड सेकंड इज ब्लड सर्कुलेटरी। ब्लड सर्कुलेटरी को फिर फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, एक तो ओपन ब्लड सर्कुलेटरी एंड सेकंड इज क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी। क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी के अंदर जो है ब्लड ब्लड वेसल्स से बाहर नहीं निकलता है, जबकि ओपन के अंदर जो है ब्लड वेसल्स से बाहर निकल जाता है। और ऑर्गन्स जो है किसके अंदर डिप्ड होते हैं, ब्लड के अंदर डिप्ड होते हैं, किसके अंदर, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। ओपन जो है प्रिमिटिव एनिमल्स के अंदर पाया जाता है लाइक मोलस एंड आर्थ्रोपोड्स, और जो है क्लोज एडवांस के अंदर पाया जाता है, वी कैन से वी आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फर्दर विल टॉक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।